वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. आज की क्लास में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हार्मोनिक ज्योमेट्रिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. और ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं. तो अगर आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कर रहे हो तो आपके पास में मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन तीनों ही आपका आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें कि तीनों चीजें आपसे पूछ सकता है. तो आइए बात करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन की. तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं. देखिए ज्योमेट्रिक मीन क्या है, एक मीन का ही सब्स्टिट्यूट. जैसे कि मैं दो ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं, कि मान लीजिए दो ऑब्जर्वेशन है, एक की एज 4 इयर्स है और एक की एज 6 इयर्स है. अगर मैं इसकी मीन की बात करता हूं, अर्थमेटिक मीन, तो मीन होता है समीशन ऑफ डेटा, जो कि क्या आएगा हमारे पास है 4+6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास में आएगा 10 / 2 इक्वल्स टू हमारे पास में ये 5 हो गया. ये तो हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन. लेकिन सवाल है कि सर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो ज्योमेट्रिक मीन में बच्चे जो आपके डेटा होते हैं, मैं इन दो डेटा की बात करता हूं कि आपके पास में यही दो डेटा है और एक की उम्र 4 साल है और एक की उम्र 6 साल है. और अगर आप इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, जिसको जी और एम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो डेटा है उनको आपस में सम नहीं करते, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितने डेटा है, 2. तो 2 डेटा है तो ये पावर आपका 1/2 हो जाता है. क्लियर है बच्चे? तो पावर क्या हो जाता है आपका, पावर 1/2 हो जाता है. तो बेसिकली अगर आप सॉल्व करेंगे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू आपके पास में 6 × 4⁴ तो 24⁻⁴ आपका क्या हुआ, 1/2 सॉरी 24⁻⁴ क्लियर है बच्चे? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व किस तरीके से, इसका रूट निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर पावर क्या होगा, 1/n होता है पावर. जो डेटा होता है हमारा बेसिकली वो सारे डेटा आपस में मल्टीप्लाई जाते हैं और रेस्ट टू पावर 1/n. इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेटर पे आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट. तो 24 का अगर आप रूट करते हो, 24 का रूट करते हैं आप, तो आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन आपका जो रिजल्ट आया 4.89 आया. तो बच्चे इसमें आप देखिएगा जो मीन आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है सबके सब 5 के हैं और आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है सबके सब 4.89 के हैं. तो बेसिकली दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, लगभग दोनों आसपास ही हैं. तो मीन का एक सब्स्टिट्यूट है कि आप ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट जब आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है, आप परसेंटेज में किस चीज की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो, तो उसमें बेस्ट और सुटेबल रहता है कि आप अपने ज्योमेट्रिक मीन से कैलकुलेट करो. इंडेक्स नंबर भी पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट रहता है ज्योमेट्रिक मीन पे. हम बात करेंगे आगे इंडेक्स नंबर में जब जाएंगे, तब इंडेक्स नंबर हो चुका, उसमें मैंने बात भी की हुई है. अगर आप इंडेक्स नंबर की मेरी फर्स्ट क्लासेस देखोगे तो उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि लॉग कैसे फाइंड करते हैं और एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं. कुछ बच्चे कमेंट में पूछ भी रहे कि सर आज मेरी फर्स्ट क्लास है, क्या मेरा आज की क्लास लेना सही है? हाँ ठीक है, आप ले सकते हैं, ले लीजिए, आपको थोड़ा तरीका समझ में आ जाएगा. और उसके बाद मैं अभी आपको क्लासेस के एंड में, जैसे कि राजू है, मैं आपको गाइड भी कर दूंगा. मैं ये भी आपको फिर से एक बात कहता हूँ, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, सबके लिए जरूरी है कि पहले आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की यूनिट्स को कवर करें, उससे पहले आप किसी और यूनिट्स पे ना जाएं. क्योंकि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लेक्चर में आपको मीन कैलकुलेट करना आएगा, आप इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आप लेस देन और मोर देन, आप इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू, इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं वो चीजें आप समझ पाएंगे. उसके बाद कुछ फॉर्मूले का, बेसिक डेरिवेशन का आप समझ पाएंगे, कुछ आप पर्पस स्टैट्स का समझ पाएंगे. तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपका बेस, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा डेवलप होता है. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एग्जाम ये आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आने वाले जो यूनिट्स आप पढ़ोगे उसके लिए भी एक फाउंडेशन का काम करता है. क्योंकि आप डिस्पर्जन पर जाते हो तो वहां पर, यहाँ पर भी मीन निकाल रहे हो, वहां भी मीन निकालते हो, बस वहां पर आप एक्चुअल डेटा और मीन के डिफरेंस का मीन दोबारा से निकालना पड़ जाता है. तो डिस्पर्जन में भी हम पूरी तरीके से मीन यूज करते हैं. अब हम डिस्पर्जन में, फिर हम स्टैंडर्ड डेविशन में भी हम वही सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, जहां पर हम स्टेप डेविशन मेथड अप्लाई करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करते हैं, कंटीन्यूअस सीरीज फॉलो करते हैं. तो डिस्पर्जन समझ में नहीं आएगा आपको विदाउट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. डिस्पर्जन के बाद आप कोरिलेशन और आप जो है अपना रिग्रेशन पे जाएं, तो वहां पर आपके लिए सुटेबिलिटी बढ़ जाती है. और इसके बाद आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल सीखना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मीन में ही सीख जाते हैं आप ज्योमेट्रिक मीन के अंदर,
और इसका एक प्रॉपर लेक्चर मैंने आपको इंडेक्स नंबर की फर्स्ट क्लासेस में दिया हुआ है, और मैंने बहुत सारे एग्जांपल से लॉग वैल्यू फाइंड करना बताया आपको, एंट्री लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको यहां पर वो भी बता दिया है। तो सब कुछ आपके ऑल ओवर डिस्कस हो चुकी है, तो आप इस ऑर्डर में अपना करें, फिर उसके बाद आप इंडेक्स नंबर अपना पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ भी आप आगे पीछे कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी को कवर करने के बाद ही किसी और यूनिट को आप टच करना। क्लियर है बच्चे, ये मैं कह रहा हूं। और क्लास वन से आप उसको देखना, आपके लिए वही यूजफुल रहेगा। तो दोनों बेसिकली क्या है आपके पास में, एक दूसरे के लिए आपके पास में सब्स्टिट्यूट आपके पास में है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ठीक है दो दो डाटा है और डिवाइडेड बाय 1/2 हो गया, 5 डेटा तो डिवाइडेड बाय रेस टू पावर 1/5, सॉरी रेस टू पावर 1/5 होता, तो 1/2 सॉल्व हम कर लेंगे, बट रेस टू पावर 1/5 कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल ये है। तो मैं उन सवालों के जवाब लूंगा, बट फिलहाल इसी में मैं एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीजें बताने की कोशिश भी कर रहा हूं, कुछ डेरिवेशन आप समझ पाएंगे शायद कि आगे क्या होने वाला है। एक तो आपके पास में क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 24 रेस टू पावर 1/2। अगर आप पावर से परेशान, ऐसे पावर को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, रूट तो कर लेंगे आपके कैलकुलेटर में है, और एक बेसिक कैलकुलेटर ही अलाव होता है आपका, इसके अलावा अपना जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप नहीं लेके जा पाएंगे जिसमें लॉग वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अलाउड नहीं रहता है एग्जाम में, ये कैलकुलेटर अलाउ रहेगा आपका। तो आपके पास है 24 रेस टू पावर 1/2, ये तो चलो इसमें भी है, इसमें भी आप कैलकुलेट कर लोगे, पर पावर 1/5, पावर 1/6, जब n इक्वल्स टू 7 तो पावर 1/7 यूज होगा, तो वहां पर कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। मैं कैलकुलेटर से भी आपको बता दूंगा, और एक दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपके पास में क्या, हमारे पास में 6 × 4 रेस टू पावर क्या है 1/2, ठीक है बच्चे। तो एक काम कीजिए, यहां पर आप पावर को नीचे लाना है तो उस तरफ लॉग ही एक काम करता है जो पावर को नीचे लाता है, तो लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग बोथ साइड, तो लॉग से मल्टीप्लाई करोगे ना, किसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 × 4 रेस टू पावर 1/2, तो ये क्या करेगा लॉग, लॉग अपना काम करेगा, वो पावर को उतार देता है, नीचे ले आता है, इंटू लॉग 6 × 4, देख रहे हैं अब आपकी जो पावर की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। लॉग ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 तो है ही, और आप इसमें देखेंगे कि लॉग दो चीजें, हमेशा एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि लॉग में कभी कुछ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उसको आप लिखेंगे लॉग 6 + log 4, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा लॉग ए बी या सी है तो कैसे लिखेंगे आप इसको, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, आप कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहां पर आपने इसको ऐसे लिखा, अब आपके लिए यहाँ पर लॉग की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आज की क्लासेस में लॉग की वैल्यू निकालना नहीं सिखाऊंगा आपको, कारण क्या है, ऑलरेडी इंडेक्स नंबर की आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, वहां पर लॉग की वैल्यू निकालना आपको सिखाया गया है, वो वीडियो में लॉग लॉग की वीडियो को मैं आज की क्लास वहां भी रहने दूंगा, और ज्योमेट्रिक मीन से पहले भी लगा दूंगा आपको, वो एक बार और रिपीट कर दूंगा उसको 1/2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो आपके पास में एन तो है, तो एन को तो रहने दीजिए, पहले आप लॉग 6 की वैल्यू निकालिए, तो लॉग 6 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको आप मान लेंगे लॉग 6, तो आपके पास में कुछ इस तरीके से रहने वाला है, लॉग 6 को लिखें, कम से कम 3 डिजिट चाहिए लॉग वैल्यू निकालने के लिए, तो 3 डिजिट तो है नहीं तो कहां से लाओगे, पॉइंट लगा के 00, तो 60 पे 0 देख लो लॉग, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल है ये, एक लॉग टेबल आपके पीडीएफ आपके कंटेंट में मिल जाएगा, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का एग्जाम, आप एग्जाम देने जाएंगे वहां भी आपको टेबल एग्जाम में प्रोवाइड करवाया जाएगा, लॉग टेबल, तो लॉग टेबल आपके पास में 60 पे 0 देख लीजिए एक बार, लॉग टेबल में, लॉग टेबल में जी 60 पे 0 है 0.7782, क्या है हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें से एक आप माइनस कर दो तो क्या बचेगा 5 पॉइंट, एंड प्लस लॉग 4 की वैल्यू देखें आप, तो लॉग 4, अब लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो 3 डिजिट एटलीस्ट चाहिए, तो आप 20 ले लीजिए, तो 40 पे 0 देख लेंगे लॉग में, तो लॉग टेबल में आप पहले 2 डिजिट को देखा करो, दिस वन इसको लॉग 40, तो लॉग 40 आपके पास में यहां पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि 10 11 12 इस तरह से लिखा हुआ, 12 40 0 60 21, तो आपके पास में है 60 21, और डिजिट कितने हैं आपके पास में 0 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चे, गड़बड़ हुई है क्योंकि पॉइंट से पहले एक है ना, हाँ तो 0 पॉइंट समथिंग 0 आएगा,
पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो उसमें से आप एक ऑलवेज माइनस करेंगे तो जीरो। यहां पर भी आपके पास में क्या आएगा? जीरो। दिस वन, अब आप सॉल्व करेंगे इसको तो लॉग ज्योमेट्रिक मीन प्रोसेस कहीं ना कहीं आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन अभी आपके सामने आएगा। लॉग ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है 1/2 और पॉइंट 7782 प्लस 0.62 0.7782 प्लस 0.06 1.3803 और सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो लॉग ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय 2 0.6901। चार पॉइंट का चार डिजिट लिखा करो मैक्सिमम, इसमें अभी भी आपका ज्योमेट्रिक मीन नहीं आया, आपका लॉग ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू वो लॉग आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एंटी लॉग हो जाएगा, और एंटी लॉग लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लॉग, तो ऊपर करेंगे तो ये एंटी लॉग हो गया ना, लॉग रेज़ टू पावर माइनस वन हो जाएगा, तो ये लॉग जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वो एंटी लॉग जिसे कहते हैं। तो 0.6901 अब आपके पास में एंटी लॉग, तो आप एंटी लॉग टेबल लेंगे जिसमें कि आप 69 पर जीरो देखिएगा क्या है, एंटी लॉग टेबल आपके पास में ये रहा, और 69 पे, हाँ जी 69 पे जीरो, चलिए 69 पे जीरो आ गया, और 69 पे जीरो आपका आया है 48 एंड 98, और उसके बाद आपका वन है, तो आप जो है मीन कॉलम में जाके देखेंगे, मीन कॉलम में वन आपके पास में ये रहा, एक है, तो इसमें वन ऐड करते हैं। बच्चे अच्छे से, मैंने बहुत सारे आपके मन में सवाल होगा सर ये कैसे कर रहे हो आप, मैंने इंडेक्स नंबर की पहले क्लास देखिएगा, उसमें मैंने लॉग और एंटी लॉग के बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाए हैं, और मैंने स्क्रीन पर ये लॉग टेबल स्क्रीन पर रख करके मैंने मार्क कर करके बताया हुआ है, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगा वैल्यूज कैसे देखते हैं, और ऑलरेडी सिखा चुका हूं इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ जी, तो एंटी लॉग की वैल्यू क्या है? दिस वन, और यहां पर पॉइंट से पहले क्या? जीरो, तो इसमें एक ऐड कर दो, डिजिट में एक ऐड कर दो, तो जीरो में जो एक ऐड करेंगे वन, तो दिस वन, क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 69 का आप निकालेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए, तो आपके पास में क्या रिजल्ट रहने वाला है? 1.48। क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को तो देख लो एक बार, देख लीजिए एक बार। पे जीरो क्या है आपका? 4898। क्लियर है? ये एंटी लॉक की वैल्यू है, दिस वन एंटी लॉक की वैल्यू ये आई। अब देखेंगे यहां पर आपके पास में आपने निकाला किसका, इसका तो पॉइंट से पहले क्या है? जीरो, इसमें एक ऐड करो तो क्या आया आपका? एक, तो ए डिजिट का पॉइंट आ जाएगा, तो ए डिजिट का पॉइंट आएगा दिस वन, तो क्या आया? 4.89 दिस वन, और आपका बेसिक क्या आया था आपका? 4.89, तो 4.89। तो लॉग टेबल कैसे निकालते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने ऑलरेडी देख लिया 60 पे जीरो देखा, आपकी जो वैल्यू आई है जितने नंबर ऑफ डिजिट पे एक माइनस कर दो और आगे लिख दो आप, एक डिजिट है तो 0 point something, और यहां पर एंटी लॉग में वैसी प्रोसेस रहेगा, एंटी लॉग टेबल यूज करना है बस, और आपके पॉइंट से पहले जो डिजिट है उसमें 1 plus करके उतने डिजिट क्या था पॉइंट यूज कर लो, तो आपके दोनों में वैल्यू ये आई है।
क्लियर है? एक तरीका आपके पास में और हो सकता है, मैं तीनों चीजें बता रहा हूं आपको, लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालने आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, कोई बात नहीं, आज की क्लासेस से बस आप देख लो, मान लो लॉग की वैल्यू ये, एंटी लॉग की वैल्यू ये कर लो, बस प्रोसेस देख लीजिए। आप घर पर जाइएगा, इंडेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, और लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने लॉग टेबल स्कीम रख के बताया हुआ है, उसके बाद आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखिए आप, आगे की मैं बात करता हूं कि एक तरीका तो ये हो गया आपके पास में, एक और मेथड हम यहां पर, आप कहेंगे सर कुछ कैलकुलेटर से बता दो कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है क्रॉस चेक करने के लिए कर लेना, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं आप किस तरीके सॉल्व करेंगे, आपके लिए चैलेंज क्या है, 6 × 4⁴ सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो मतलब 24⁴ करना चाहते हैं ना, ये होगा। एक काम करें कैलकुलेटर पे, क्या करें 24 है ना, इस पे रूट करें, स्टेप नंबर वन क्या करें, रूट करें कितनी बार, 12 टाइम्स 24 के ऊपर रूट 12 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है बच्चे, तो रूट कर दिया 12 टाइम्स। उसके बाद आप क्या करें, इस पे 12 टाइम्स रूट करने के बाद आप इसमें फिर माइनस वन कर दें, स्टेप नंबर टू माइनस वन कर दें, माइनस वन, क्लियर है बच्चे, माइनस वन करने के बाद स्टेप नंबर थ्री क्या करें, डिवाइडेड बाय एन कर दें, तो डिवाइडेड बाय एन क्या, टू है ना, ठीक है। स्टेप नंबर फोर क्या करें आप, प्लस वन कर दें, अब स्टेप नंबर फाइव क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 12 टाइम्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो क्या आया आपका रिजल्ट, रिजल्ट आया 4.90, दिस वन देख लीजिए स्क्रीन पर 4. खैर आपको सर रूट निकाल दो, अरे ये तो रूट के लिए तो पता है, आप रूट दबा दोगे खत्म आ जाए, आ गया आंसर, पर पावर आपका 1/5 हो, पावर 1/7 हो तो क्या करोगे, उन सबके लिए बात कर रहा हूं ना मैं तो आपसे, ये आंसर है आपका देख लीजिए, क्लियर है बच्चे। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को, तो ये आपके पास में, ये आपके पास में है इसकी वैल्यू। तो अब आपके लिए चीजें आसान होनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं क्वेश्चन के तौर पर, जैसे एक आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मैं एक बार कैलकुलेटर से बता देता हूं कैसे करेंगे, वैसे एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है उसकी बात करता हूं, बाद में कैलकुलेटर यूज कर लेंगे। हाँ भाई, फिर से मैं बार बार रिपीट करूंगा, जैसे कि ये सीरीज कौन सा है, इंडिविजुअल सीरीज है, क्यों, डेटा रिपीट नहीं है यहां पर, डेटा की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज है, तो आपके पास में एक्स डेटा जो है वो है आपके पास में 2, 4, 8, 12, 16, 24, ये एक्स डेटा हो गया, ठीक है बच्चे। अब यहां पर आप अपने प्रोसेस को समझिएगा कि अगर मैं यहां पर इसको ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, सभी डेटा को मल्टीप्लाई करो, जो मैंने एक तरीका बताया था, 2 × 2, 2 × 4, 8 × 12, 8 × 12, 8 × 16 और 8 × 24, बताया था मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के लिए डेटा को मल्टीप्लाई करो, रेस टू पावर 1/n, तो रेस टू पावर 1/n अगर आप यूज करते हैं तो n मतलब कितने टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1/6, ठीक है बच्चे। अब इसको तो मुझे पता है कि आपके पास लॉग यूज करोगे, छोड़ो लॉग का मैं बता दूंगा दोबारा से, अभी बताऊंगा एग्जाम में लॉग यूज जरूर करना, एक तरीका बता देता हूं आपको, इन सभी डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 × 4 × 8 × 12 × 16 × 24, तो क्या आपके पास में आया, आपके पास में आया 294912 रेस टू पावर 1/6। अब सवाल है कि सर 1/6 पावर कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्टेप नंबर वन मैं रिपीट करता हूं, स्टेप वन क्या करेंगे आप, रूट करेंगे कितनी बार, 12 टाइम्स, ठीक है, तो इस रिजल्ट के ऊपर मैं रूट करूंगा 12 बार। आप अपने साथ कैलकुलेटर, आप लाइव क्लास ले रहे हैं तो रख ही रहे हैं, तो आप भी एक काम करें, सबसे पहले स्टेप नंबर वन मैं लिख देता हूं, रूट करेंगे कितनी बार, 12 बार करेंगे, तो चलिए करिए मेरे साथ में,
रेडी हैं सारे? करें ठीक है, काउंट करना सही से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चे, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, इसमें से कर दो माइनस वन। ठीक है बच्चे, 2 9 4 9 1 2। इसमें से कर दो माइनस वन कर दिया। स्टेप नंबर थ्री, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय पावर कर दिया, डिवाइडेड बाय पावर। स्टेप नंबर फोर, प्लस वन। ठीक है, उसके बाद आप करें मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू, 12 बार मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू। तो क्या है आपका रिजल्ट, मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू कितनी बार, 12 टाइम्स। तो रिजल्ट क्या है आपका, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 8.18। क्लियर है बच्चे? हाँ बिल्कुल सही धीरज मिश्रा। तो बच्चे ये आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है, बट एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलेगा उस बात को जरा समझिएगा। ये प्रोसेस अलग तरीके से करके दिखाएगा आपको। एक्स डेटा है, तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करने वाले थे, लॉग की वैल्यू निकालने के लिए आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लॉग करना होता, तो आप यहां पर करते log into geometric mean और ये power 1/6 यहां आ जाता, और फिर log multiply by this, तो log this 2 + log 4 ऐसे कुछ होता, आपका रिजल्ट ऐसे बनता ना, आपका कुछ इस तरीके से बनता। तो इसलिए आपके पास में सभी की log वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप एक काम करें, log x निकाल लो, सबकी log वैल्यू निकाल लो, एक तरीका ही तो आंसर आ गया आपको, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं आपको। तो आपके पास में ज्योमेट्रिक मीन का एक फॉर्मूला क्या डिराइव होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू, इसी तरीके से लॉग आपके पास में आगे तक, और डिवाइडेड बाय एन, और ये तो आपके पास में रहेगा, ये लॉग जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो ये एक फॉर्मूला बना नहीं बना आपका, बताइए जरा, एक फॉर्मूला ये बन गया। तो इसलिए आप क्या करें, यहां पर लॉग एक्स की वैल्यू निकालें, तो सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। लॉग टू लॉग टेबल है ना हमारे पास पे, एंटी लॉग टेबल है, ये लॉग टेबल है। तो लॉग की वैल्यू अगर आप निकालेंगे, अब मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं वो चीज सिखा दी आपको, आगे यूज में आएंगे, बाकी मैं बात कर रहा हूं आपके एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की। तो आपके पास में एक्स डेटा है, सभी डेटा का आप लॉग वैल्यू निकालोगे ऑलवेज, ठीक है? तो डेटा का आप ऑलवेज लॉग वैल्यू निकालोगे, चाहे सीरीज कोई सा भी हो, इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी सीरीज हो। तो log 2 की वैल्यू, तो log 2 की वैल्यू को बेसिकली आप कैसे देख सकते हो, 20 पे 0 देखो इसको, दो डिजिट चाहिए ना, तो 2 है, तो माइंड में ये चलना चाहिए 3 डिजिट 20 पे 0। तो 20 पे 0 अगर आप देखते हैं log की वैल्यू 20 पे 0, तो 30 10 पॉइंट 30 10। क्लियर है? और आगे अगर ये 4 डिजिट होता तो 3 आ जाता, ये 5 डिजिट का नंबर होता तो आगे 4 आता, जितने डिजिट है उसमें से एक कम कर दो, एक डिजिट है ये, उसमें से एक कम कर दो तो 0 आएगा, तो आगे 0 लगेगा। ये बात समझ में आई आपको? सब एक डिजिट के तो 0 पॉइंट्स में ही वैल्यूज आएंगे। तो 40 की वैल्यू देख लेते हैं, 40 पे 0 log 40 पे 0 60 21 60 21। log 80 की वैल्यू देख लेते हैं, सर मेरे पास पे जो log टेबल है ना वो मेरे पास पे पूरा कंप्लीट नहीं है, इसीलिए अब मुझे थोड़ा बुक की सहायता लेनी पड़ेगी, log टेबल बुक में देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो 2 मिनट का बस समय दीजिए मुझे, कोशिश कर रहा हूँ ऊपर ही टेबल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, किताब के पीछे जाते हैं और लॉग टेबल की वैल्यूज निकालते हैं। कहाँ है, बहुत बड़ा सिलेबस है आपका, ये बहुत बड़ा सिलेबस है बिजनेस स्टार्ट्स का,
भाई साहब, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी, कैसे क्या होगा उनका, भगवान जाने। log 80 की वैल्यू है हमारे पास में, 9031, 9031 log 80 की वैल्यू, log 12 की वैल्यू। अब 12 कैसे देखेंगे? अरे सर, 12 तीन डिजिट होना चाहिए ना मेरे पास में, चार होगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, वो बता चुका हूं। तीन होगा कैसे करेंगे, एक होगा कैसे करेंगे, सारी बात पहले क्लास में बताई हुई है आपको। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, 12 पे जीरो, तो 12 पे जीरो देखना है आपको लॉग टेबल में, तो 12 पे जीरो 792। सिक्सटीन की वैल्यू, लॉग सिक्सटीन की वैल्यू 2041। 24 की वैल्यू, 24 की वैल्यू 38.2। 6 है ये आपके पास में आ गया। आपका फॉर्मूला क्या कहता है? लॉग वन समीशन ऑफ दिस, समीशन के समीशन करेंगे आप इन सबका, इन सबका आप समीशन करेंगे, लॉग की जितनी वैल्यूज आएंगी तो आप इसको ऐड करेंगे। इस वैल्यू को 0.38, 38.02, 38.02, 0.2041, 0.0792, 0.9031, 0.6021, 0.3010, क्या है हमारे पास में? log x की वैल्यू 2.4697। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में क्या है? 2.4697 हमारे पास में समीशन ऑफ लॉग एक्स आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? डिवाइडेड बाय एन, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, एंड ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग क्या है? कहां पे कह रहे हैं बच्चे आप? धीरज मिश्रा। अच्छा जी, ये बात आपने बहुत परफेक्ट कही है। हाँ सॉरी भाई, एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहा था मैं। दिमाग में आते हैं, कुछ कुछ बातें चल रही होती हैं दिमाग में तो चीजें रहती नहीं है, गेस चल गया। दो डिजिट का है तो इसमें से एक माइनस करेंगे तो एक बचेगा। चलिए इसको भी ऐड कर लेंगे। एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग एक्स करेंगे अगर हम, तो 0.3010 प्लस 0.6021 प्लस 0.9031 प्लस 1.0792, 1.2041 प्लस 1.3802, 5.4697। क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास में 5.4697 अपॉन एन। एन कितने हमारे पास में? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6।
डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू 0.9116, 4 डिजिट लेना है, 91 पे 16। आप इसके एंटी लॉग वैल्यू देख लीजिए, 91 पे 16 एंटी लॉग वैल्यू। पहले 91 पे 6 देखेंगे, बयासी 41, 41। मीन सॉल्व करेंगे तो क्या है, 91 पे 16, तो 91 पे 6, बयासी 41। और 91 पे 16, 91 पे 1 देखना था मैं पहले, 81 47, 81 47, 91 पे 1। ये 91 पे 1, 81 47, और इसमें फिर है हमारा 6, 1 2 3 4 5 6 11, तो 8518 ये आ गया, 8 डिजिट का पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास, 0 है ना, तो 1 प्लस 8.158। क्लियर है बच्चे? तो ये देखिए लगभग लगभग कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि इसमें एक्यूरेट में सारी वैल्यू ले रहे थे, यहां पे मैंने 4 डिजिट यूज करा। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब तो आ गया, बट इस प्रोसेस को फॉलो करना है एग्जाम में। आप अपने डेटा का पहले लॉग वैल्यू ले लेना, उस वैल्यू का सम करके डिवाइडेड बाय आप एन कर देना। ठीक है, आपका अर्थमेटिक मीन में डेटा का सम डिवाइडेड बाय एन होता था, यहां पर उस डेटा को लॉग में कन्वर्ट करके लॉग वैल्यू में उसका सम डिवाइडेड बाय एन, फिर उसका उसका एंटी लॉग ले लेना। बट चाहे सीरीज इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूअस हो, सबसे पहला काम है डेटा को लॉग वैल्यू में कन्वर्ट करना। क्लियर है बच्चे?